हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए 2018 किस तरीके का आने वाला है। उनके लिए 2018 यानी कि नया साल मंगलकारी हो, शुभकारी हो, ये सब हम आज जानेंगे। उनका भविष्य, जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उन सभी जातक की राशि सिंह राशि होती है। जो व्यक्ति अपनी राशि आइडेंटिफाई नहीं करते हैं या फिर उनको नहीं पता रहता है कि हमारी क्या राशि है, तो वो इस तरीके से भी अपनी राशि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर देखकर वे अपनी राशि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आप के लिए सिंह राशि वालों के लिए 2018 किस तरीके का रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं बनी रहेगी इस साल दोस्तों, थोड़ा संभल कर चलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। खर्च बढ़ने से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। पीठ दर्द, एलर्जी, हार्मोन संबंधी विकार से परेशानी हो सकती है, इसलिए आप अगर मेरी राय माने तो अपने आप स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट, हम बात करेंगे घर परिवार के बारे में, यानी कि आपका घर परिवार का माहौल किस तरीके का रहेगा। ये कोई मनमुटाव तो नहीं आ रहा है टू नया वर्ष आपके लिए लेकर, तो पारिवारिक मतभेद में तनाव बना रख सकता है दोस्तों, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप अपने माइंड से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इन सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ये तो छोटी मोटी परेशानियां हैं जीवन की जो कि चलती रहती है। थर्ड पॉइंट, हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में, यानी कि उनका बिजनेस किस तरीके का रहेगा, नया वर्ष उनके लिए क्या लेकर आए, आइए चलो जानिए दोस्तों। इस वर्ष द्वादश राहु के साथ अन्य ग्रह का प्रभाव व्यापार में उलट फेर करने वाला, अगस्त सितंबर में सर्विस वालों को परेशानी उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा सा आप संभल कर चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी व्यावसायिक क्षमता का अधिकतम उपयोग व्यापार को नई ऊंचाइयां पर ले जाएंगे, यानी कि आप अपने माइंड का यूज करते हुए, अपनी तर्क शक्ति का यूज करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। सर्विस वालों को प्रमोशन मिलने के पूर्ण पूर्ण योग मिल रहे हैं। वर्ष के अंत तक सभी बाधाएं उनकी दूर हो सकती है। भाग्य बल से कार्य सिद्धि योग बन रहे हैं। आर्थिक दबाव भी धीरे धीरे कम रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पारदर्शिता, अच्छे व्यवहार का पालन करना पड़ेगा। व्यापार क्षेत्र में मशीनरी संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, हम बताते हैं धन संपत्ति से रिलेटिव, यानी कि आपको धन से क्या क्या काम सिद्ध हो सकते हैं। आपको धन से संबंधित प्लस पॉइंट मिल सकते हैं कि आपको धन की हानि हो सकती है। जून से अक्टूबर तक भूमि संबंधी रुके हुए कार्य पूर्ण आपके हो सकते हैं। आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, अचानक धन प्राप्ति के योग इस साल आपके नजर आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, हम बताते हैं आपको यात्रा और ट्रांसफर से संबंधित, यानी कि आपके यात्रा के योग बन रहे हैं कि नहीं, विदेश में आपको यात्रा ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ट्रांसफर से संबंधित। अधिकारी वर्ग से संबंधों में तनाव हो सकता है। अप्रैल व जून तक आपके ट्रांसफर या घर वापसी के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा आप संभल कर चलिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। सर्विस के लिए दूर प्रवास व यात्रा में चोट आदि संभावित हो सकती है। तो 2018 सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीक पॉइंट है कुछ, लेकिन आप थोड़ा संभल कर चलेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही जाएगा। और आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, आप फॉरेन टूर कर सकते हैं, फॉरेन टूर के आपके योग बन रहे हैं। सिक्स पॉइंट, हम बताते हैं आपको परीक्षा से रिलेटिव, यानी कि जो स्टूडेंट वर्क्स के लोग हैं जिनकी सिंह राशि है और वे स्टूडेंट हैं, तो वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिल रही है दोस्तों, ये तो योग मुझे नजर आ रहे हैं। विभागीय परीक्षा में आपको सफलता मिलने के पूर्ण पूर्ण योग नजर आ रहे हैं इस साल, यानी कि 2018 आपके लिए मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। बाधाओं के बाद भी आपको सर्विस योग प्राप्त
होंगे, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट सर्विस लगने के पूर्ण पूर्ण योग हो रहे हैं। फरवरी से अप्रैल, अगस्त से अक्टूबर विशेष लाभकारी हो सकते हैं। हम लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं, आप किस भगवान की पूजा आराधना करें ताकि आपके छोटी छोटी बाधाएं जो आपके जीवन में आ रही हैं वे दूर हो सके। तो अगर आप मेरा छोटा सा कहना मानेंगे तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आप अगर विष्णु की उपासना मेरे कहने से अगर शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी जो भी परेशानियाँ हैं, गृह संबंधित परेशानियाँ, जो भी आपकी कोई भी परेशानियाँ हैं वे दूर हो सकती है अगर आप विष्णु की उपासना शुरू कर दें। और फलदार पौधों का रोपण किसी भी धार्मिक स्थल पर या मंदिर में आप कर सकते हैं, तो उसका भी आपको विशेष फल मिल सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए 2018 अच्छी ही बातें लेकर आ रहा है, लेकिन उनको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा और वे माणिक भी धारण कर सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी जानकारी सिंह राशि वालों के लिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को, आपके सुझाव को इंक्लूड कर